वडोदरा महानगर सेवा सदन की कही जाती स्मार्ट सिटी कामगिरी और भ्रष्टाचारी कामगिरी की बदौलत शहर के छाने विस्तार में नव निर्माण किए गए वैसे ब्यूटिफिकेशन तालाब में दीवारों पर गहरे गड्ढे निर्माण होते हुए एक और भ्रष्टाचारी कामगिरी की पोल खुली है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तंत्र की कहे जाते विकास कार्य और स्मार्ट सिटी की ये बारिश ने पोल खोलकर भ्रष्टाचारी कामगिरी को उजागर किया है। वडोदरा स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर पर समस्या सिटी बनने के साथ एक बार फिर गड्ढों की नगरी बन चुका है। वडोदरा के रोड रास्ते खुदीले बनने के साथ अब करोड़ों के खर्च से ब्यूटिफिकेशन किए गए वैसे तालाब के अंदर भी भ्रष्टाचार वहीवट और कामगिरी का पर्दाफाश हो रहा है। शहर के छाने विस्तार स्मशान के पास आए हुए छाने तालाब में महज कुछ वक्त पहले ही वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तंत्र द्वारा 14 करोड़ रुपए के खर्च से तालाब का ब्यूटिफिकेशन कार्य का प्रारंभ किया गया था, लेकिन दिखावी और खोखली कामगिरी की पोल बारिश के कारण खुली है। छाने तालाब का ये नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेल और विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के हाथों खात मुहूर्त किया गया था, लेकिन कॉरपोरेशन के पदभ्रष्ट अधिकारी और चहेते कॉन्ट्रैक्टर के मिलीभगत के कारण ये तालाब के अंदर बनाई गई दीवारों पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे घिरे हैं, जिसे देख एक बार फिर कॉरपोरेशन तंत्र की विकास कार्य की कामगिरी पर सवाल खड़े हुए हैं। जो तालाब के अंदर गिरे गड्ढे को देख स्थानीय लोगों ने भी वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रति रोष और भ्रष्टाचारी आरोप लगाए थे। तो ये तालाब का पूर्ण कार्य भी अभी तक नहीं हुआ, उससे पहले ही तालाब के पास बनाई गई वैसी सेफ्टी दीवारों पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे निर्माण होते हुए भ्रष्टाचारी कामगिरी का पर्दाफाश हुआ है। तो वहीं स्थानीय कॉरपोरेटर और स्थायी समिति के अध्यक्ष वैसे सतील पटेल की ये तालाब के प्रति किए गए निरीक्षण और सुपरविजन की कामगिरी पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आ छाणी नु जे तलाव छे एना ओपनिंग माटे आपणा नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, आपणा जे विधानसभाना अध्यक्ष छे राजेंद्र भाई त्रिवेदी, आ तलाव नु खात मुहूर्त 3 વાર થઈલું છે, એની પાછળ લાખો રૂપિયા ખર્ચો કર્યો છે। 14 કરોડની અંદર જે કામ આપેલું છે એનો ટાઈમ પીરિયડ 2 વર્ષનો, તો 2 વર્ષની જગ્યાએ અત્યારે 2.5 વર્ષ થઈ ગયા છે, તો હજુ કામ પૂર્ણ નથી થયું। કામ પૂર્ણ થતા પહેલાં જ આ જે હલકી કક્ષાનું જે કામગીરી થઈ છે એ આ ભૂવાઈ આપણને એનું આપણને નજરાનું છે। હવે આ જે હલકી કક્ષાની જે કામગીરી કરી છે એ જે કોન્ટ્રાક્ટરને કામ આપેલું છે એના ઉપર સરકાર શું એક્શન લેશે, કમિશનર સાહેબ શું એમને દંડ ફટકારશે, બ્લેકલિસ્ટ કરશે કે શું કરશે, સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે। અહીંયા જે સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન છે તે આ જ વિસ્તારના છે, એમને શું તમને શું લાગે છે તમને? હવે એ તો દરરોજ અહીંયા આટા મારે છે ગોળ ગોળ, પણ હવે અહીંયા શું જુએ છે, શું આટા મારી શું જુએ છે હજુ ખબર પડતી જ નથી। એટલે તમે એમને જઈને પૂછજો કે ભાઈ આ રીતનું જે થયું છે એની પાછળ જવાબદાર કોણ છે અને તમે શું એક્શન લેશો એની ઉપર।